नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लोन ट्रैकर में। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक 0.75 टन का जो एसी होता है, लगभग पौने टन का एसी, वो मैं आज आपको 2 KVA के नॉर्मल इन्वर्टर पे चला के दिखाने वाला हूँ। और जो हमारा एयर कंडीशनर दोस्तों, वो भी एक नॉर्मल एयर कंडीशनर है, ना वो सोलर एयर कंडीशनर है, ना ही वो आपका इन्वर्टर का एसी है। तो वो आपका एक नॉर्मल एयर कंडीशनर है, मैं उसको आज 2 KVA का जो नॉर्मल इन्वर्टर है, जिसको मैंने सोलर में कन्वर्ट किया हुआ है, एक चार्ज कंट्रोलर लगा के उसके ऊपर आपको चला कर दिखाऊंगा। और साथ ही साथ हम देखेंगे उसका स्टार्टिंग करंट, उसका रनिंग करंट, और हम ये भी देखेंगे कि जो जब हमारा एयर कंडीशनर चलेगा इन्वर्टर के थ्रू, तो हमारा इन्वर्टर बैटरीज में से कितना करंट निकालेगा। तो वो सारा का सारा हम इस वीडियो के अंदर आज कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, आपको कोई क्वेश्चन उसको कमेंट करना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ मेरी और भी वीडियो है, उनको भी जाके आप चेक कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है सोलर से रिलेटेड, विंड टरबाइन, विंड हाइब्रिड, विंड एनर्जी से रिलेटेड, मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो सारी की सारी भी वीडियो देख सकते हो। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा एक नॉर्मल एयर कंडीशनर है जो कि मैंने सेकेंड हैंड बाई किया है। मेरे पास 1.5 टन का एयर कंडीशनर भी था, बट दोस्तों मेरे पास जो इन्वर्टर है वो 2 KVA का इन्वर्टर है, तो 1.5 टन का जो एसी है वो इन्वर्टर पे नहीं चल सकता है। तो इसलिए मैंने एक छोटा एयर कंडीशनर बाय किया था जो कि 0.75 टन का, और ये वीडियो कौन का है, और ये 2015 से पहले का मॉडल है। तो मैंने ये बाय किया था और इसमें थोड़ी सी डैमेज था अंदर से, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत रिपेयर कर दिया। उसके बाद मैंने इसका अच्छी तरह यहाँ पर कनेक्शन किया, और मैंने MC वगैरह लगा के वायरिंग बाहर से कर दिया, और जिसका मैंने कनेक्शन दिया वो इसके अंदर मैंने जो इन्वर्टर का कनेक्शन है वो दिया। तो मेरे घर के अंदर जो जितना भी कनेक्शन है वो सारा का सारा मैंने इन्वर्टर के थ्रू किया हुआ है, जैसे कि ये PC का कनेक्शन हो गया है, लाइट का कनेक्शन हो, तो सारा का सारा जितनी वायर है सारी इन्वर्टर के थ्रू रन करती है। सिर्फ दो जो अप्लाइंसेज हैं उनको छोड़ के, तो गीज़र है उसको छोड़ के, और एक एयर कंडीशनर जो 1.5 टन का उसको छोड़ के, तो मैंने इसका भी उस पर किया हुआ है। तो दोस्तों, हम इसको अभी चला के देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा एयर कंडीशनर 0.5 टन का, यानी कि लगभग पौने टन का जो हमारा एयर कंडीशनर वो है, और ये मैंने इसकी वायरिंग की हुई है, स्विच मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि ऑलरेडी इन्वर्टर के कनेक्शन से कनेक्टेड है। और आप देख सकते हो इसमें दो वायरिंग है, जो कि जो रेड वायरिंग है वो न्यूट्रल और लाइव वायर की मैंने रेड इकट्ठी कर दी है। उसके अलावा जो एक ब्लू कलर की वायर आपको दिख रही है, ये इसके अंदर हमारी अर्थिंग की वायर है। तो दोस्तों, अभी मैं इसको स्टार्ट करूँगा, क्लैंप मीटर मेरे पास है, और आप देख सकते हो अभी क्लैंप मीटर पर जो रीडिंग है वो 0.0 की दिखा रहा है, और एम्पियर में मैंने इसको सेट किया है। तो सबसे पहले हम हमारा जो क्लैंप मीटर है उसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने जो हमारा क्लैंप मीटर है उसको मैंने जो हमारे एयर कंडीशनर की वायरिंग थी उसके साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है हमारे क्लैंप मीटर को। और क्लैंप मीटर को कनेक्ट करने के बाद मैं इसका स्विच दबाऊंगा, जैसे मैं इसका स्विच को ऑन करता हूँ तो इसमें हमारा एकदम से स्टार्टिंग करंट को ये शो करेगा कि हमारा जो स्टार्टिंग करंट है हमारे इन्वर्टर का वो कितना है, और उसके बाद वो हमें दिखाएगा कंटिन्यूस जिसका रनिंग करंट है। तो दोस्तों, हम इसका स्विच को ऑन करते हैं अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जो हमारा करंट था वो 3.8 पे गया था। तो हम इसको अब दोबारा से देखेंगे एक बार बंद करके। तो मैंने इसको अभी बंद कर दिया है, और अब मैं इसको दोबारा से ऑन करूँगा तो हम दोबारा से देखेंगे कि कितना करंट अभी लेगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, इसने मैक्सिमम 3.8 का करंट लिया, और उसके बाद अगर जो हम रनिंग करंट की बात करें तो रनिंग करंट हमारा 3.4, 3.2, 3.5, यानी कि 3.2 या 5 के आसपास ही हमारा जो रनिंग करंट है वो भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये तो हमने इसके नीचे की तरफ देख लिया कि हमारा रनिंग करंट कितना है। अब हम जाके इसको हमारा इन्वर्टर है जो, उसके पास जाके देखेंगे कि कितना रनिंग करंट ले रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा ल्यूमिनस का 2 KVA का जो क्रूज सीरीज है उसका इन्वर्टर है, और अगर जो मैं बात करूँ तो अभी ये UPS मोड इसमें ऑन है, यानी कि ये अभी जो हमारी पावर सप्लाई है उससे नहीं, बल्कि जो बैटरीज है उससे पावर ले रहा है, और बैटरी के अंदर पावर हमारे सोलर से आ रही है जो कि मैंने सोलर कनेक्शन ऊपर किया हुआ है। तो अगर जो हम इसकी DC जो हमारी इसकी DC की जो बस की रेटिंग है दोस्तों, हम उसकी बात कर लेते हैं, और साथ के साथ जो इसकी AC करंट यानी कि 230 वोल्ट की रेटिंग उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर जो हम उसके अंदर बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली इसमें मैंसन है कि 1 फेज, और इसकी आपको 220 वोल्टेज के अंदर ये आउटपुट देता है, और इनपुट भी वही है, और जिसका रेटेड करंट है यानी कि आउटपुट में 9.55 एम्प का है। तो जो हमारा एयर कंडीशनर चल रहा था दोस्तों, वो लगभग 3 से 3.5 एम्प तक का करंट ले रहा था,
जिसका स्टार्टिंग करंट 3.8 एम्पियर था। और अगर जो हम डीसी बस रेटिंग की बात करें यानी कि जब बैटरी से करंट निकालेगा तो वहाँ पे कहाँ तक कभी ये करंट निकाल सकता है, तो आपका दोस्तों 70 एम्पियर तक ये निकाल सकता है 24 वोल्ट के अंदर। तो दोस्तों तो हम इसकी जो डीसी रेटिंग थी या जो हमारी 220 वोल्ट के अंदर जो रेटिंग थी उसकी बात की है। अब हम हमारा जो कलम मीटर है उसके थ्रू हम इसकी देखेंगे कि ये एक्चुअल में उतना करंट नीचे भेज रहा है नहीं भेज रहा है जितना हमारा एयर कंडीशनर इसके अंदर खा रहा है। तो दोस्तों ये इसकी जो येलो वायर मैंने लगाई हुई है ये इसकी आउटपुट की वायर है जो हमारे इन्वर्टर से पावर सप्लाई लेके जाती है, और ये 2 mm की वायर जो मैंने लगाई हुई है अभी करंटली 220 वोल्टेज के लिए। तो सबसे पहले हम इस कलम मीटर लगा के इसी को देख लेते हैं कितना करंट इसके अंदर थ्रू जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो 3.1 एम्पियर का करंट ये दिखा रहा है कि अभी करंटली आउटपुट से होकर हमारे इन्वर्टर के जा रहा है 3.1 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट के अंदर। तो अब हम देखेंगे जो हमारी बैटरीज है ये वहाँ से कितना करंट निकाल रहा है बैटरीज से। तो बैटरी के अंदर दोस्तों जो करंट रन कर रहा है वो 24 वोल्ट का करंट रन कर रहा है। तो हम उस पर भी लगा के एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये हमने हमारा कलम मीटर लगा दिया है और जैसा कि आप देख सकते हो कलम मीटर पे 28.4, अगर हम 28.4 का मल्टीप्लाई करें 224 वोल्ट से तो जो हमारा वाटेज है दोस्तों वो सेम आएगी इसकी वोल्टेज और जो हमारी आउटपुट की वायरिंग की वोल्टेज जा रही है वो भी, और जो हमारा एयर कंडीशनर मैंने लगाया था उसके पास जो मैंने आपको कलम मीटर लगा के दिखाया तो वहाँ की वोल्टेज भी हमें ये बिल्कुल सेम दिखाएगा। तो दोस्तों आप अगर जो हम स्टार्टिंग करंट की बात करें तो स्टार्टिंग करंट जो हमारा इन्वर्टर ने जो हमारा एयर कंडीशनर ने लिया था वो लगभग 3.8 एम्पियर के आसपास लिया था। तो दोस्तों जैसे कि इसकी रेटिंग बता रही है तो ये आराम से उसको चला सकता है क्योंकि इसकी जो डीसी की बस रेटिंग है वो भी 70 एम्पियर की है और जिसकी एसी की रेटिंग है दोस्तों वो इसकी 9.55 एम्पियर है। तो हमने तो अभी इसका हाफ भी यूज़ नहीं किया है, तो इस वजह से जो हमारा एयर कंडीशनर वो काफ़ी अच्छी तरह इस पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कनेक्शन सोलर के अंदर है तो मैं दिन में पूरी तरह उस पर सोलर पे चलाता हूँ उसको। अभी भी आप देख सकते हो कि सोलर से जो पावर आ रही है क्योंकि आज हल्के हल्के बादल है तो उसकी वजह से भी जो पावर आ रही है थोड़ी कम आ रही है, बट सोलर से चार्जिंग हमारी बैटरी की हो रही है। तो उससे दोस्तों क्या हो रहा है, मैं जो एयर कंडीशनर है उस एयर कंडीशनर को मैं जो हमारा सोलर सिस्टम उसके थ्रू रन कर पा रहा हूँ दिन में और शाम को, तो जो मेरा इन्वर्टर है वो मेन से कनेक्ट हो जाता है तो मैं मेन के थ्रू हमारा जो एयर कंडीशनर है उसको मैं रन करता हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो से आप समझ सकते हो कि आपका जो 2 kVA तक का आपका इन्वर्टर हो, अगर जो वो साइन वेव इन्वर्टर है, जैसे कि जो हमारा इन्वर्टर है दोस्तों एक साइन वेव इन्वर्टर है, अगर जो आपके पास साइन वेव इन्वर्टर है 2 kW तक का, तो आप उसके ऊपर 0.75 का एक नॉर्मल एयर कंडीशनर चला सकते हो और जो आपके सोलर एयर कंडीशनर है वो तो बिल्कुल आराम से चला सकते हो आप। तो अगर जो मैं सोलर एयर कंडीशनर की बात करूँ, सोलर एयर कंडीशनर आप इस पर 1 टन तक का चला सकते हो आराम से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इसमें बताई हुई जानकारी भी काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर जो आपका कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट करें, और अगर जो आपका कोई सुझाव हो उसको भी आप कमेंट कर सकते हो। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस चैनल पर मैं आगे भी ऐसी और वीडियो लेके आता रहूँगा जिससे कि मैं आपको सोलर के बारे में और इलेक्ट्रिकल के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज लेके आता रहूँ आपके लिए। और एक बार फिर जाने से पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा करंट लगभग 3.0-3.1 के करीब ये करंट हमारा है जो इस हमारा एयर कंडीशनर है वो भी खा रहा है। और अगर जो एयर कंडीशनर की मॉडल की बात करूँ तो एयर कंडीशनर का मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और अगर जो उसकी कंडीशन की बात करूँ दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंडीशन उसकी हो चुकी है, तो इस वजह से जो हमारे कंडीशनर वो काफ़ी ज़्यादा खा रहा है। अगर जो आप आज के मॉडल का कोई एयर कंडीशनर लोगे तो वो आपका काफ़ी अच्छी तरह रन करेगा, एफिशिएंटली रन करेगा, और मेरा अनुमान है कि वो 2 एम्पियर से 2.5 एम्पियर का करंट ही आपका लेगा। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही।